हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले लक्स इंडस्ट्रीज़ के बारे में। लक्स जो कंपनी इनरवेयर्स बनाती है, यहाँ पर ये कंपनी में मैंने लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट किया है। तो कंपनी क्या करती है, इसका बिज़नेस तो काफ़ी लोगों को पता होगा क्योंकि एडवर्टाइजमेंट काफ़ी लोगों ने देखी भी है। हर एक बच्चा बच्चा जानता है कि लक्स इंडस्ट्रीज़ या लक्स का क्या आता है। तो लक्स इंडस्ट्रीज़ का ये लक्स कूजी इनरवेयर या लक्स के जो भी जितने भी है आपको यहाँ पर नज़र आएगा। इनके ब्रांड्स देखो, लक्स कूजी है, ऑन है और ये सब 18 है। तो ये सारी आपको प्रोडक्ट यहाँ पर नज़र आएंगे, ठीक है। तो ये सारे लक्स के हैं और यहाँ पर आप देख सकते हो इनके प्रोडक्ट। मेन वुमेन किड्स सबके लिए ये बनाते हैं और इनके अचीवमेंट्स यहाँ पर नज़र आएंगे। इनके ब्रांड कमर्शियल्स आपको एडवर्टाइजमेंट नज़र आएंगे। ब्रांड एम्बेसडर कौन कौन है यहाँ पर आपको नज़र आएगा, सब यहाँ पर ये सब कुछ आप यहाँ पर देख सकते हो। तो ये कंपनी है, ठीक है। और यहाँ पर लक्स इंडस्ट्रीज़ की इतनी बड़ी फैक्ट्री है और ये एक्सपोर्ट भी करती है 46 कंट्रीज़ को, ठीक है। और प्रोड्यूसेस 1.2 मिलियन गारमेंट्स, ठीक है, डे। इतने सारे गारमेंट्स एक दिन में वो प्रोड्यूस करते हैं। तो ये है और ये कंपनी में मैंने लॉन्ग टर्म के लिए लिया है। तो यहाँ पर देखेंगे इसके फंडामेंटल। तो फंडामेंटली देखो ये स्टॉक का प्राइस क्या है। तो स्टॉक है 1372 का, ठीक है, 1372 रुपीज़ का एक शेयर है और 1111 रुपए का इसका लो रह चुका है, 1770 रुपए का इसका हाई रह चुका है। 4125 करोड़ की कंपनी है ये और 42 रुपीस का यहाँ पर 42 का इसका पी आ रहा है और 12.7 का आरओसी और 9.97 का आरओई। बुक वैल्यू थोड़ा कम है और यहाँ पर डिविडेंड थोड़ा बहुत देती है कंपनी, 2 रुपये का फेस वैल्यू है। तो ओवरव्यू में थोड़ा पी थोड़ा महंगा नज़र आ रहा है, आरओसी थोड़ा कम नज़र आ रहा है, ठीक है, और बाकी बुक वैल्यू भी तो कम ही है। और बाकी चीज़ें देखो फंडामेंटल पे देखेंगे कि फंडामेंटली कैसा है। तो एक साल में ये स्टॉक देखो काफ़ी उतार चढ़ाव दिखाया है। पहले ऊपर से नीचे गिरा, थोड़ा ऊपर आया, फिर नीचे की भाव पे अभी मिल रहा है। तो यानी अभी ये डाउन पे ही है अभी भी। और एक 3 साल में देखेंगे तो 3 साल में भी काफ़ी ऊपर गया था, फिर उसके बाद ये डाउन पे आपको नज़र आएगा, ठीक है। तो ये हाई कितना था, तो 4000 रुपये का एक टाइम पे शेयर हुआ करता था, अभी 1300 रुपये का है। और अगर हम 5 साल की बात करेंगे तो 5 साल में देखो ये स्टॉक देखो 1300 रुपये से यहाँ पर 800 के भाव पे आया था, फिर ये 4400 का जो हाई है वहाँ से ये काफ़ी नीचे गिरा है। और 10 साल की बात करेंगे तो 10 साल में, ठीक है, ये कंपनी को 10 साल तो हुए नहीं है यहाँ पर, ये 2015 से है, तो 733 से यहाँ पर ये 4000 तक गया, फिर 4000 से करेक्ट होके नीचे आया है, ठीक है। और मैक्स में भी आपको 2015 ही नज़र आएगा क्योंकि कंपनी को ज़्यादा साल हुए नहीं है, 2015 से ये कंपनी मार्केट में है। और ये कंपनी में पॉजिटिव एक ही चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है, कंपनी रिड्यूस डेट कर रही है, ठीक है। और अगर पीयर कंपैरिजन देखेंगे तो टेक्सटाइल के अंदर, टेक्सटाइल कंपनीज के अंदर आती है लक्स इंडस्ट्रीज में टॉप पे आ रही है इसके मार्केट कैपिटल की वजह से। उसके बाद है मफतलाल इंडस्ट्रीज़ है, फिर रूबी मिल्स है, रॉयल टेक्सटाइल है, ठीक है, लॉयल टेक्सटाइल है, और उसके बाद है लक्ष्मी मिल्स है और JCT है, ठीक है। ये सारी कंपनीज यहाँ पर आपको नज़र आएगी। और क्वार्टरली रिजल्ट्स देखेंगे तो देखो सेल्स इसके यहाँ पर आपको नज़र आएंगे 502 करोड़ से यहाँ पर 639 करोड़ तक के सेल्स कंपनी ने किए हैं। और नेट प्रॉफिट देखेंगे 67 से यहाँ पर 36 तक नेट प्रॉफिट हुआ है, 36 करोड़ तक। यानी कंपनी के प्रॉफिट्स थोड़े गिरे हैं और सेल्स में ज़्यादा ग्रोथ देखने नहीं मिला है क्वार्टरली बेस पे। और प्रॉफिट एंड लॉस देखेंगे तो देखो 2018 से इसके प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ पर नज़र आएंगे, जो 1078 करोड़ से यहाँ पर आपको नज़र आएगा 2300 करोड़ तक गया है। तो सेल्स में थोड़ा बहुत ग्रोथ देखने मिला है 2018 के बाद और 78 करोड़ से लेके 137 करोड़ तक प्रॉफिट किया है। देखो प्रॉफिट पहले ज़्यादा था लेकिन वहाँ से थोड़ा बहुत कम हुआ है, इसके सेल्स के वजह से भी हो सकता है और साथ में जो एक्सपेंसेस होते हैं उसकी वजह से भी। एक्सपेंसेस जब ज़्यादा हुए हैं प्रॉफिट ऑटोमेटिकली कम हो जाता है, ठीक है। तो ये फ़िलहाल कंपनी के प्रॉफिट से
तो प्रॉफिट में ज़्यादा ग्रोथ देखने नहीं मिल रहा है। और देखो 10 साल में ये रहे, 5 साल में रहे, तो कंपनी ने नेगेटिव रिटर्न दिए। जस्ट ये नाम के वजह से, ब्रांड के वजह से और लॉन्ग टर्म के वजह से मैंने ये स्टॉक को लिया है। बैलेंस शीट देखेंगे तो बैलेंस शीट में भी आपको नज़र आएगा इसका रिजर्व अच्छा है, लेकिन लोन थोड़ा कम है। तो लोन कम है इस वजह से भी ये कंपनी अच्छी लग रही है, रिजर्व के मुकाबले लोन काफ़ी कम है। और अगर हम देखेंगे शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करेंगे तो शेयर्स देखो, शेयर होल्डिंग इसकी 74% तो अभी भी प्रमोटर के पास है, सबसे ज़्यादा शेयर्स। फॉरेन के इन्वेस्टर के पास भी ये शेयर से लगभग 1.69% के इन्वेस्टमेंट किया है, लगभग 1.5% से ज़्यादा फॉरेन के इन्वेस्टर ने पैसा लगाया, और 8% तो इंडिया के बड़े इन्वेस्टर, डोमेस्टिक इन्वेस्टर का पैसा लगाया, ये भी चीज़ अच्छी है। और पब्लिक ने 16% है, तो इन्वेस्टमेंट सभी का इसमें है। और स्टॉक देखो लॉन्ग टर्म के हिसाब से मैंने लिया है, तो लॉन्ग टर्म में जो भी अपडेट आएगा, रिटर्न्स आएंगे, वो मैं आपको बताऊंगा। और कब लिया था क्या, ये सारी चीज़ें मैंने टेलीग्राम चैनल पे सबसे पहले अपडेट होता है कि ये शेयर में कब मैं एंट्री कर रहा हूँ या एंट्री किया है, ये बाय कब किया है। और लॉन्ग टर्म है तो जो भी कुछ आएगा इसमें अपडेट, तो वो भी मैं आपको बताते जाऊँगा। ठीक है, तो अच्छे अच्छे स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए लेके रखे हैं, शॉर्ट टर्म के लिए भी लेके रखे हैं, ट्रेडिंग के लिए, और कुछ पेनी स्टॉक भी लेके रखे हैं। सारे अपडेट्स मैं टेलीग्राम पे भी देता हूँ, वीडियोस भी उसके बहुत बहुत सारे वीडियोस भी बन चुके हैं, और जो बाकी है उनके वीडियोस में बनाते जा रहा हूँ, लाते जा रहा हूँ। ठीक है, तो वीडियोस देखते रहिए, और वीडियोस देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो, और टेलीग्राम चैनल को अपडेट आने के लिए अपडेट्स जो भी चाहिए अगर आपको लेटेस्ट, तो टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हो। और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करो, कमेंट करो, दोस्तों के साथ शेयर करो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।